नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चलेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है UGC नेट, ठीक है, 2014 से लेकर 17 तक के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग अवलोकन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कोपेहेगन यानी COP15 के रूप में प्रसिद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन का संबंध किस मुख्य मुद्दे से था। ये जून 2014 में आया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, ठीक है। कह रहा कोपेहेगन के रूप में सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन का संबंध किस मुख्य मुद्दे से था, जलवायु परिवर्तन से, जनसंख्या विस्फोट से, वैश्विक औष्मीकरण से या वातावरण से। तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है, जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से जो कोपेहेगन सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। ये भी जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी, जो भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई संस्थाओं में से एक थी। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा दोस्तों, कह रहा कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर किसने नहीं किया था, ठीक है। ये भी जून 2014 के अंतर्गत प्रश्न बन चुके हैं। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर किसने नहीं किया था, हेनरी फ्योल ने, हार्बर्ट साइमन ने, जॉन ग्रॉस ने या पॉल एपलबी ने। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, किसने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं किया। तो नहीं किया था दोस्तों वो हेनरी फ्योल महोदय ने। किसने नहीं किया था, हेनरी फ्योल महोदय ने नहीं किया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा, निम्नलिखित में से संगठन का आधार नहीं है, ठीक है। ये भी जून 2014 के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, बजटन, कार्य प्रक्रिया या सेवार्थी वर्ग। तो जो संगठन का के अंतर्गत आधार नहीं आता, बेस नहीं आता, वो कौन सा है बताना है आपको दोस्तों। तो नहीं आता है वो बजट, ठीक है। बजटन की प्रक्रिया नहीं आती, संगठन के अंदर कार्य भी आता है, प्रक्रिया भी आती है, सेवार्थी वर्ग भी आता है। आप, ठीक है, लूथर गुलिक का आप संगठन सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत प्रश्न बने थे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक, निराशाजनक मानकर निंदा की थी। जून 2014 के अंतर्गत प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक, निराशाजनक मानकर निंदा की थी। भारतीय प्रसाद अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिपोर्ट 1918, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, सांप्रदायिक पंचायत 1932। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों से लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि हम लोग के जो परिश्रम है, मेहनत है, वो सफल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू जो चेम्फोर्ड था 1918 के अंतर्गत कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। क्या कही गई थी, अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर इसकी निंदा की गई थी। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर छः की ओर। क्वेश्चन नंबर छः है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ राष्ट्रपति दिया गया, एक तरफ उपराष्ट्रपति दिया है, ठीक है। तो भारत के अब तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके यहाँ पे श्रृंखलाओं के अंतर्गत दिया गया है। तो आप इसमें से कह रहा है कि सुमिलित नहीं है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, संजीव रेड्डी, बीडी जट्टी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन से सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों, जो भारत के, ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी के विपक्षी, ठीक है, वो बीडी जट्टी साहब नहीं थे। तो इसमें सुमिलित नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। आगे दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात की ओर। पर क्वेश्चन नंबर सात की ओर चलने से पहले दोस्तों आपसे एक प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति
माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कैसवें राष्ट्रपति हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में ठीक है निर्धारित प्रतिशत क्या है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में राज्य में मुख्यमंत्री और उनके समेत मंत्रियों के संबंध में जो दिया गया है प्रतिशत क्या है, आपको बताना है 10%, 12%, 15% या 16%। आप वीडियो को पुश करके आंसर गेस कर सकते हैं। तो जो राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में निर्धारित प्रतिशत किया गया है वो दोस्तों किया गया है 15%। कितना किया गया है? 15%। ये भी जून 2014 और 18 के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन एक जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? पीके थुंगन समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, सादिक अली समिति, डुमरा लाल वेथा समिति। तो इसमें से कौन सी समिति जनजातीय क्षेत्रों के पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों बताना है आपको। तो इसमें जो दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित पंचायती राज्य से है वो दिलीप सिंह भूरिया समिति है। कौन है? दिलीप सिंह भूरिया समिति, ये आपके सही उत्तर है। ये भी जून 2014 के अंदर का प्रश्न पूछे गए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? राजनीतिक दर्शन उपागम, सांस्थानिक उपागम या व्यवहारिक उपागम, कानूनी उपागम। तो बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर वो है व्यवहारिक उपागम। ठीक है, व्यवहारिक उपागम के अंतर्गत ठीक है करा के निम्न से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? तो जो व्यवहारिक होता है वो लोकमत और लोगों की राय भी लेता है और राजनीतिक विकल्पों का भी अध्ययन करता है। ये दो आपके जून 17 के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत में निर्वाचन प्रणाली सम्मिलित है, यानी भारत में जो इलेक्शन प्रणाली है निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली सम्मिलित है आपको बताना है। ये जून 2014 दिसंबर के प्रश्न आए हैं। तो एक देखिएगा फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भारत देश से ठीक है। टू राउंड ऑफ सिस्टम्स मिस्र से, या लिस्ट सिस्टम ब्राज़ील। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित है, ये उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पे सम्मिलित जो उपयुक्त सभी हैं ठीक है, उपयुक्त सभी हैं फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ठीक है, जिसको हम लोग PPPS बोलते हैं ठीक है। ये भारत में लागू है। टू राउंड ऑफ सिस्टम ये मिस्र में है, और लिस्ट ऑफ सिस्टम ये है आपका ब्राज़ील के अंतर्गत। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने किसकी उपेक्षा की है? सरकार के अध्ययन का, संस्थाओं के अध्ययन का, संविधान की तुलना का, या अनुभवी की जांच पड़ताल का? तो तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने किसकी उपेक्षा की है बताना है दोस्तों। तो बताइए किसकी उपेक्षा की गई है। ये भी जून 2014 के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। तो की गई है दोस्तों अनुभवी जाँच की पड़ताल का। किसकी की गई है? अनुभवी जाँच की पड़ताल का। तो आपका सही उत्तर है आपका डी ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किसने कांग्रेस को लाल डाफरिन के दिमाग की उपज बताया है? लाला लाजपत राय ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, अरविंद घोष ने, या आनंद चार्लू ने? तो किसने कांग्रेस को लाल डाफरिन के दिमाग की उपज बताया था आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों किसने कहा था। तो थे दोस्तों वो लाला लाजपत राय साहब। कौन थे? लाला लाजपत राय साहब ने कांग्रेस को लॉर्ड डाफरिन के दिमाग की उपज कहा था, बताया था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आए हैं जून आपके 2014-15 के अंतर्गत। करा कि चंपा निम्न में से सम्मिलित नहीं है। देखिएगा चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी ठीक है, एका आंदोलन 1921 मादारी पासी, बरडोली सत्याग्रह 1918 सरदार पटेल, अवध किसान सभा 1940 दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो
तो दोस्तों उसमें सम्मिलित नहीं है अवध किसान सभा, ये हुआ था आपको 1920 में। कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। इसके जो नायक थे वो बाबा रामचंद्र जी नाम याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र जी थे। ये तो सन भी याद रखिएगा, 1920 में हुआ था, तो यहाँ पे ये सम्मिलित नहीं था, तो इसका सही उत्तर आपका डी है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा 5, 6, 7, 8। तो भारत में बताना है कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो दोस्तों जो वर्तमान समय में भारत में कुल जो राष्ट्रीय दल हैं वो कुल टोटल हैं 8, ठीक है, 8 हैं। तो आपको ये बताना है कि 8वां दल अभी हाल ही में कौन सा बना, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बताइए। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था नहीं है, यानी उसकी विशेष संस्था नहीं है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी इंटरनेशनल मुद्रा फंड, OPEC, ठीक है, FAO। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन विशिष्ट एजेंसी नहीं है, बताना है आपको। तो उसमें जो दोस्तों है इसका जो सही उत्तर वो है OPEC, ठीक है, OPEC नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था के अंतर्गत नहीं आता है और सभी विशेष संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कह रहा कि मॉन्टेस्क्यू का सत्ता के पृथकता का सिद्धांत, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जून 2012 के अंतर्गत प्रश्न थे। तो ऑप्शन देखिएगा, जवाबदेहिता पर, कुशलता पर, पारदर्शिता पर या स्वतंत्रता पर। तो जो मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का प्रतिकरण सिद्धांत है मुख्य रूप से किस पर जोर देता है आपको बताना है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मॉन्टेस्क्यू का जो सत्ता का प्रतिकरण एक शब्द आता है, पूछा जाता है कि सत्ता का प्रतिकरण किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? मॉन्टेस्क्यू। इसलिए एक पुस्तक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के अंतर्गत सत्ता के प्रतिकरण सिद्धांत दिया का पर बल दिया गया था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, संघवाद का आदर्श रूप अथवा अभिष्ट रूप है क्या? दिसंबर 2011 के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, द्वैत संघवाद, नौ संघवाद, सौदाकारी संघवाद या सहकारी संघवाद, यानी संघवाद का आदर्श रूप क्या है, इसमें से बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है सहकारी संघवाद, ठीक है, सहकारी संघवाद को हम लोग आदर्श रूप के अंतर्गत रखते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों मिसिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जगह 19 देखते हैं। करा निम्न में से कौन सांसदों की जननी कहलाती है, ठीक है, सांसदों की जननी कहलाती है, जून 2009 के अंतर्गत प्रश्न है, भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, USA कांग्रेस या स्विस संघीय सभा। तो इसमें से जो सांसदों की जननी किसे कहा जाता है आप बताएंगे, तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या है। तो कहा जाता है दोस्तों ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश सांसद है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांसदों की जननी कहते हैं, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत और UPPGT के अंतर्गत भी पूछे गए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, ये दिसंबर 2011 का प्रश्न है। कह रहा विधि, एक तरफ दोस्तों इसमें धारणा दी गई, एक तरफ विचारक दिए गए हैं। तो विधि का शासन डाइसी, शक्ति पृथकरण मॉन्टेस्क्यू, प्रकृति का अधिकार जॉन लॉक, एकतावाद अरस्तु। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नहीं को आप विशेष ध्यान दिया करिए, ये नहीं का प्रश्न बहुत फंसते हैं। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों विधि का शासन डाइसी का ये भी सम्मिलित है, शक्ति का पृथकरण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ये भी सम्मिलित है, और जो प्रकृति अधिकार जॉन लॉक है वो ये भी सम्मिलित है, और बचा आपका एकतावाद, ठीक है, एकतावाद का सिद्धांत अरस्तु से नहीं है बल्कि किससे है, ऑस्टिन से, ठीक है, जॉन ऑस्टिन है, ठीक है, उससे संबंधित है, जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका है डी की, वो सम्मिलित नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया था? भारत सरकार नियम 1858, ठीक है, भारत सरकार नियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें से प्रश्न पूछ रहा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया था? तो बताइए दोस्तों का क्या सही उत्तर है इसका। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है, भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना के लिए ब्रिटिश अधिनियम पारित किया गया था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किसने कहा था कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? यानी किसका विचार है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? के.सी. वेयर महोदय का, बी.आर. अम्बेडकर साहब का, आइवर जेनिंग्स का या ग्रेनविल ऑस्टिन का? इसमें से उत्तर सही बताना दोस्तों क्या है, इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाला संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाला एकात्मक राज्य की विचारधारा है, परिभाषा वो दी थी के.सी. वेयर महोदय ने दिया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अन्य जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आप उसे देख सकते हैं, आई बटन क्लिक करके आप जून 2016, ठीक है, जून 2018 और जून 2014 से लेके अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए हैं आपके पॉलिटिकल साइंस, उनको आप देख सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।